हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर पेपल का पेमेंट गेटवे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं या कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको एक पेमेंट गेटवे की जरूरत होती है, जिससे कोई कस्टमर अगर आपकी वेबसाइट पर आकर आपकी सर्विसेज को या आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहे तो वो आपको पेमेंट कर सके। तो दोस्तों, पेमेंट गेटवे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होता है पेपल का। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अपने ब्लॉग या वेबसाइट में किस तरह से पेपल का पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पेपल की वेबसाइट पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पेपल के दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। तो अगर आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर पेपल का पेमेंट गेटवे लगाना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि आपके पास पेपल का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास इंडिविजुअल है तो नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पेपल का इंडिविजुअल अकाउंट है तो सबसे पहले आप उसे बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लें, और अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पेपल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। चलिए, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक टूल्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑल टूल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पेपल बटन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन शो होंगे, पहला शॉपिंग कार्ट का, दूसरा बाय नाउ, तीसरा सब्सक्रिप्शन। आप जो भी बटन चूज करना चाहें कर लें। चलिए, मैं बाय नाउ का कर लेता हूं। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइस डालनी है आपके प्रोडक्ट की। चलिए, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, आपको समझाने के लिए 250 कर देता हूँ। यहाँ से आपको करेंसी सिलेक्ट करना है, किस करेंसी में आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, डॉलर में, रुपये में, जो भी है। आप यहाँ से मल्टीपल प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर चाहें आप तो ड्रॉप डाउन मेनू भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है और वो तीन अलग अलग वेराइटी में या तीन अलग अलग साइज में, और तीनों की प्राइस अलग अलग है, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसका कुछ भी नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाहें। इसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की तीनों वेराइटीज की डिटेल फिल कर दीजिए और उनकी प्राइस सेट कर दीजिए। चलिए, मैं जल्दी से यह काम भी कर लेता हूँ। इसके बाद आप इसे डन कर दीजिए। यह आपका ड्रॉप डाउन मेनू तैयार हो चुका है। देखिए, लार्ज 250, मीडियम 200 और स्मॉल 150, ये तीनों रेट हमारे यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इन्हें फिल कर लें। इसके बाद आप सिंपली क्रिएट बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपको एक कोड मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट क्रिएट करनी है और अपने प्रोडक्ट के नेम के साथ उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दे देनी है। दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर सेल करना है तो मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पे मुझे उसकी पूरी डिटेल देनी है। उसके बाद उसके प्रोडक्ट के नीचे मुझे पेमेंट गेटवे लगाना है, तो सारी डिटेल में यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दे देता हूँ। आप यहां पर अपने प्रोडक्ट की इमेज लगाइए, उसकी पूरी डिटेल दीजिए। उसके बाद में आपको HTML में जाना है और यहां पर डिटेल के जस्ट नीचे आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है जो हमने पेपल पे जनरेट किया था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये नजर आ गया। इसके बाद आप इसे पब्लिश कर दें। चलिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं किस तरह का ये शो होगा।
अब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यहाँ से आपको पेमेंट दे सकता है और आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस अपने ब्लॉग या वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ऐड करने की, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए।